ये लड़की हाय अल्लाह कैसी है दी। अरे भाई 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 क्या तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन। मर जा नूब कहीं के मर जा, मरता क्यों नहीं है तू, मर जा एकदम, हट जा भाई साहब। एक सेकंड मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करना भाई साहब, सब बॉट है भाई, मैं सबसे बड़ा बॉट हूँ, भग जा। ओके सो यार बच गया मैं, नहीं बचा। सो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो सारे के सारे, आई होप सब बढ़िया ही होंगे। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जब मैं स्ट्रीम करता हूँ माइनक्राफ्ट की तो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई अपने सर्वर में ऐसे शेडर कैसे लगे, क्योंकि यार वर्ल्ड में तो शेडर अप्लाई करना शायद आती है सबको, एंड सर्वर में ऐसे शेडर कैसे अप्लाई करते हैं वो बहुत लोग को जाना था, एंड मैं कौन सी शेडर पर्सनली यूज़ करता हूँ ये वाली बिना लैग के जो, तो मैं आपको आज वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि कैसे जो है आप माइनक्राफ्ट में अपने सर्वर में ऐसी शेडर्स लगा सकते हो, एकदम देख सकते हो भाई, एकदम नो लैग भाई, लैग फ्री है, ठीक, एकदम बढ़िया वाली बूमा वाली मस्त वाली एकदम शेडर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। उस शेडर का लिंक भी दूंगा एंड साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर से करना है, अगर शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दो, एंड सब्सक्राइब कर सकते हो तो कर दो यार, क्योंकि आजकल तुम सब्सक्राइब करते नहीं, एंड हमें क्रिएट करना है 3K, तो ठोको सब्सक्राइब, 3K होने में कुछ ही सब्स चाहिए, आई थिंक 150 से थोड़े से ज़्यादा, तो कर दो सब्सक्राइब, आई थिंक तुम कर ही दियोगे अब तक, तो कर दो सब्सक्राइब, बाकी इस शेडर का तुम लोग देख ही सकते हो। तो अब बिना ज़्यादा बकवास किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अब कैसे आपको, पहले सबसे पहले बता दूं कि शेडर कैसे डाउनलोड करना है। शेडर डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसकी दिख जाएगी, वहाँ से आप शेडर को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद अप्लाई कैसे करना है मेन प्रोसेस बताता हूँ, ठीक, तो चलो अप्लाई प्रोसेस पे चलते हैं। साइड में यहाँ पर हम अपना ओपन कर लिए मोबाइल का स्क्रीन, एंड यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना सर्वर जो है वो एटरनॉस से बनाया। अगर तुम्हें भी जानना है कि कैसे सर्वर बनाते हो तो जाके मेरी वीडियो देख लो, ऊपर आई बटन पे तुम्हें लिंक मिल जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं सर्वर पे, तुम ऐसे कुछ इंटरफेस पे आओगे, कैसे शेडर अप्लाई करना है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो कुछ इस तरीके का इंटरफेस तुम्हारा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सर्वर में शेडर अप्लाई करने के लिए तुम थ्री लाइन पे टैप करके फाइल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, ठीक है, ये फाइल्स वाले ऑप्शन पे इस पे क्लिक करना। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नीचे मिलेंगे, एक पैक्स को और एक सर्वर करके कुछ है, तो आप पैक्स पे क्लिक करके फिर यहाँ पर देखो ऊपर प्लस के बटन पे टैप करना, एंड यहाँ पर एक कोई भी एक नाम ले लेना, जैसे कि मैं रिसोर्स पैक लिख देता हूँ, तो इसको आप कर देते हैं राइट, ठीक है। अब इसको डन करने के बाद यहाँ पर रिसोर्स पैक से एक फोल्डर बना, उस पर टैप करना, उसको टैप करने के बाद यहाँ पे आप अपलोड का साइड में सिंबल देख लो, उस पर टैप करना। अपलोड के सिंबल में टैप करते आपको यहाँ पे अपलोड करना है जो मैं आपको शेडर की लिंक दूंगा वो, तो चलो यहाँ पे फटाफट मैं वो चीज़ ओपन करके अपलोड कर लेता हूँ फिर। तो यहाँ पर यार आप देख सकते हो कि मैंने उसको क्लिक किया, एंड देखो ये अपने आप तुम्हारा कुछ इस तरीके का इंटरफेस लेगा, अभी ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, मतलब अपलोड हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, थोड़ा सा ही टाइम लेगा, कपड़ा में तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा इसमें, तो इसको अपलोड होने देते हैं तब तक। एंड तब तक यार तुमने अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो करो यार, क्या करके, अगर तुम अभी तक लाइक नहीं करो भाई साहब लाइक तो कर दो, एंड सब्सक्राइब जरूर से करना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस। एंड अगर तुम्हें मेरे सर्वर में खेलना है, जो कि बैकग्राउंड में तुम्हें मेरी सर्वर दिख रही है, इसमें खेलना है इतने मस्त सर्वर में, तो आप मेंबरशिप ले सकते हो, इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा अपलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है, कुछ ही देर में अपलोड पूरा ले लेगा, एंड बाकी तो बढ़िया ही है, तुम लोग लाइक वाइक करते रहा करो, ठीक है। तो बस ये होने वाला है इन 3, 2, 1 आई थिंक अब तक तो हो जाएगा, एंड ये हो गया बस, ओके तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये अपलोड हो चुका है, एंड अपलोड होने के बाद ये देखो कुछ इस तरीके का सक्सेसफुल लिखा आएगा, मतलब सक्सेसफुल मतलब ये ऐसा कुछ आ जाएगा। अब आपको सिंपल से करना है क्या, बैक पे जाना है, मतलब बैक में मतलब इस 3 डॉट पे, एंड अपने सर्वर में जाके अब सर्वर को आपको स्टार्ट कर देना। अब आप जब सर्वर में स्टार्ट कर दोगे, सर्वर में जब आप घुसोगे तो उससे पहले आपको एक डाउनलोड का इंटरफेस आएगा, जैसे कि मेरे सर्वर में आते समय आपको आता है डाउनलोड का इंटरफेस। सर्वर में घुसने से पहले यहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना, वो आपकी शेडर्स रहेगी, ठीक है, कुछ ही MB का रहेगा, 0.MB का, ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर लेना, वो आपका शेडर्स रहेगा। एंड बाकी यही बताना था आज की वीडियो में, आई होप तुम्हें वीडियो समझ आ गई होगी, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी मेरी स्काई गेमिंग स्काई है, अदरवाइज आप डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको 300 मेंबर्स होने वाले हैं, तो ज्वाइन कर लो डिस्कॉर्ड। एंड यार यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा जो ये वुल फार्म है, अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए कि कैसे मैंने वुल फार्म बनाया तो आप मेरे को नीचे कमेंट में बता देना। बाकी अगर आपको जानना है कि मैंने ये वाली शुगर केन फार्म ऑटोमेटिक कैसे बनाई तो ये लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर लो, एंड अगर आपको जानना है कि मैंने ये राइट में जो स्वीट बेरीज फार्म है कौन सी, ये वाली देखो, ये वाली स्वीट बेरी फार्म है, ये कैसे बनाया, तो इस राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर लो।